मोदी जी योगी को इकट्ठा कर दिया, तुम्हारा वकील पूरे देश में तालका मचाकर तुम्हारे समाज को डरा दिया। क्या चाहिए? पांव चाहिए कि पांव चाहिए? मन से नहीं बोल रहे। क्या चाहिए? नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या है वायरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी को एक करने वाले नेता कौन? डॉक्टर संजय निषाद, ऐसा खुद डॉक्टर संजय निषाद को लगता है। सुनिए जरा। मोदी जी योगी को इकट्ठा कर दिया, तुम्हारा वकील पूरे देश में तालका मचाकर तुम्हारे समाज को डरा दिया। अपने संबोधन में डॉक्टर संजय निषाद जो है एकदम मदारी की भूमिका में नजर आए। दरअसल अपने विशिष्ट भाषण शैली की वजह से वो जनता से जो कहलवाना चाह रहे थे, जनता वही उनको कह रही थी, रिपीट कर रही थी। उन्होंने जनता से पूछा कि भैया पावर चाहिए, ये आप खुद ही सुन लीजिए जरा। क्या चाहिए? पावर चाहिए कि पावर चाहिए? मन से नहीं बोल रहे। क्या चाहिए? तो पावर से आवाज निकलनी चाहिए, ऊपर के मन से कि दिल से? क्या चाहिए? निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद चित्रकूट पहुंचे थे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने वाली निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं संजय निषाद, जिन्हें हाल ही में MLC बनाया गया है। अब इसी MLC बनाए जाने की खुशी में वहां पर सम्मान समारोह जो है वो आयोजित किया था, जिसमें ये पहुंचे थे। चित्रकूट जिले के निषाद बहुल्य राजापुर कस्बे में सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जहां उन्होंने इन सब बातों का जिक्र किया। सीएम योगी और पीएम मोदी के बीच कुछ ऐसा था जिसे बाद में उन्होंने एक किया, ऐसा उनका दावा है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही नेता लोग जनता से तरह तरह के वादे करते हैं, तरह तरह की बातें भी करते हैं। अब हाल ही में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने युवाओं को कहा कि भैया ये आने वाला विधानसभा चुनाव नौजवानों का भविष्य का चुनाव है, भविष्य का। नौजवान साथियों, आपके भविष्य का चुनाव है। आपका भविष्य कैसे बेहतर बने? नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। हम जाते हैं दिल्ली में, बड़े बड़े विज्ञापन लगे, नौकरी मिल गई, रोजगार मिल गया। दिल्ली के लोग समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नौकरी मिल गई है, रोजगार मिल गया है। बताओ नौजवान साथियों, अंबेडकर नगर के लोगों, इनका कौन सा बड़ा काम है जो आपके जिले में हुआ है? कौन सा बड़ा फैसला है जिससे आपका जीवन बदला है? दिल्ली में तो लगा दी होर्डिंग कि नौकरी मिल गई, रोजगार मिल गए। बताओ नौजवानों, खड़े हो कि तुमको नौकरी और रोजगार मिल गया? ये आपके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, आपके सपनों को मार रहे हैं, आपके भविष्य से खिलवाड़ हो रही है। बताओ इस भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया करोगे या नहीं करोगे? तो सुना आपने, यूपी में एक बड़ा मुद्दा है रोजगार। दरअसल सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि तरह तरह के हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए जो युवा हैं वो अपनी भर्तियों का विरोध जो है वो दिखाते हैं, प्रदर्शन करते हैं। अब क्योंकि योगी सरकार इस मुद्दे पर बेअसर दिखती आ रही है, इसीलिए अब विपक्ष को ये एक अच्छा अवसर मिला है, एक अच्छा मौका मिला है, इनको लपेटा जाए। और अखिलेश यादव ने भी यही किया, रोजगार का मुद्दा उठाया, युवाओं को साथ में आने का आह्वान किया। चलते हैं अब अपनी अगली खबर की ओर। भैया अब सभी राजनीतिक पार्टी जो है वो चुनाव को लेकर सक्रिय हो चुकी हैं। तरह तरह की रैलियां, तरह तरह की बयानबाजी सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं। इसी को लेकर अब जब सभी पार्टियां जो है वो एक तरह से सोशल मीडिया पर एक्टिव हो रही हैं, तरह तरह के बयान दे रही हैं, तो मायावती भी क्यों पीछे हटे? मायावती भी जातिवादी द्वेष का उदाहरण देते हुए अखिलेश और योगी सरकार पर उन्होंने हमला बोला। उन्होंने लिखा कि सपा शुरू से ही दलितों और पिछड़ों में जन्मे महान संतों, गुरुओं और महापुरुषों की तिरस्कारी रही है, जिसका खास उदाहरण फैजाबाद जिले में बनाया गया नया अम्बेडकर नगर जिला है। भदोही को नया जिला संत रविदास नगर बनाने का भी इन्होंने विरोध किया तथा इसका नाम तक भी सपा सरकार ने बदल दिया। वहीं अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि इसी प्रकार यूपी के अनेकों स्थानों और योजनाओं आदि के नाम जातिवादी द्वेष के कारण अधिकांश बदल दिए गए। ऐसे में सपा द्वारा उनकी और उनके मानने वालों के प्रति आदर सम्मान और सुरक्षा की उम्मीद
कैसे की जा सकती है, चाहे अब यह पार्टी इनके वोट की खातिर कितनी भी नौटंकीबाजी क्यों ना कर ले। तो भैया मायावती ने साफ साफ जाहिर किया है कि ये सब जो है ये सब नौटंकी है और एक तरह से जातिवादी लाभ और चुनाव को देखते हुए ये सब किया जा रहा है। बहरहाल ये था आज के वायरल खबरों का हिसाब किताब। जाते जाते सुन लीजिए कि अब यूपी के तमाम अपडेट्स आप यूपी तक की वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और तमाम वीडियोज को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।